नमस्कार, जय हिंद साथियों। एसएससी एग्जाम फ्लोप के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अजीब सा वीडियो बना रहा हूँ कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 की हम तैयारी कैसे करें, 80 प्लस का स्कोर कैसे करें। दोस्तों, आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मेरे ऊपर हंसी भी आ रही होगी, कमेंट में गालियाँ देने का भी मन कर रहा होगा। बिल्कुल भाई, दो खोल के दो, लेकिन जो बंदा इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा ना, उसकी आज आंखें खुल जाएंगी, वो तैयारी करने में आज से दिलचस्पी लेने लगेगा। दोस्तों, होता क्या है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही भर्ती आती है, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, यही होता है दोस्तों। और हम क्या करते हैं, भाई अब की बार भर्ती आ गई, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेके रहूंगा। कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कभी लग जाते हैं अपनी मेहनत, किसी के नोट्स ले लेते हैं। चलो भाई, करो तैयारी, बहुत बढ़िया बात है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो पढ़ो। लेकिन दोस्तों, अगर आप तैयारी सच में करना चाहते हो, सच में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की वर्दी लेना चाहते हो, तो दोस्तों तैयारी अगर आप कर रहे हो करो, लेकिन एक पैटर्न से करो, एक तरीके से करो, तभी आप 80 प्लस का स्कोर कर सकते हो। दोस्तों देखिए, पैटर्न क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैटर्न के अंदर सबसे पहला होता है सिलेबस। दोस्तों सिलेबस की सबको जानकारी होती है, इतना तो कन्फर्म होता है। अगर सिलेबस की जानकारी जिस बंदे को नहीं है तो वो तैयारी क्या करेगा, ठीक है। नंबर दो पे आता है बुक्स और नोट्स, ठीक है। जैसे ही हमें सिलेबस पता चल गया कि भाई इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हम बुक्स खरीदते हैं या नोट्स खरीदते हैं, जहां से भी पढ़ाई करती है, चलो ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों काफी लोग फंस जाते हैं, क्या है कि यूट्यूब पर आते हैं तो सर्च करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल, तो वहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 के ये क्वेश्चन आए थे, वो आए थे। अरे दोस्तों, पहले आप बुक्स तो पढ़ो, तभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप है वो सोल्व कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में सिलेबस। इसके अंदर आपके चार सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा मैथ, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये सब में आता है। नंबर दो पे आएगा रीजनिंग, ये भी कंपलसरी है, सब में आएगा। लगभग ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसके एग्जाम में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आए, और बाकी जो है वो है। बाकी लगभग दोस्तों 80% वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग तो आता है। नंबर तीन पे दोस्तों अपना आएगा जीके, ठीक है, और यही सबकी जान निकालता है एग्जाम में। आज इसका मैंने वैक्सीन बना दिया है, आपकी जान नहीं निकालेगा। इसके बाद आता है जीएस, सामान्य विज्ञान। दोस्तों इसके बाद एक बचता है करंट अफेयर, जिसका क्रेज आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। एग्जाम में बस करंट अफेयर पढ़ लो तो सिलेक्शन हो गया, ये आजकल चल रहा है दोस्तों, ठीक है, इसका पूरा बताएंगे आपको। नंबर चार पे इसमें आता है हिंदी, दोस्तों हिंदी आता है, बस ये चार सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ नहीं आता। अब दोस्तों जिस बंदे ने, देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जिस बंदे ने मैथ क्लियर कर ली ना, उसका सिलेक्शन हो गया, ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये 25-25 नंबर के आते हैं, 25-25-25-25, और इस प्रकार से 100 नंबर हो जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, काफी लोग मेहनत करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर पर, दोस्तों ये तीनों चीज मिलाकर आती हैं 25 नंबर की, ठीक है, तीनों चीज मिलाकर 25 नंबर के आती है, और अकेला यहाँ मैथ 25 नंबर का आता है और रीजनिंग 25 नंबर का आता है, साथ ही जो अपना हिंदी है वो 25 नंबर का आता है। दोस्तों जीके अगर आप नहीं पढ़ सकते हो ना, तो इसको लास्ट में ध्यान देना, इससे अच्छा है अपने हिंदी पढ़ें, ठीक है। अगर हम हिंदी क्लियर करते हैं तो जीके अपने लास्ट में देख लेंगे, अगर टाइम बचता है तो थोड़ी बहुत, बाकी अपने को हिंदी मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर हम पढ़ते हैं तब हमारे 25 नंबर ऐड होते हैं, अगर हम यहाँ हिंदी अकेली तैयार करते हैं तो 25 नंबर ऐड हो रहे हैं। तो दोस्तों फायदा हिंदी पढ़ने में है, इतना आपको पता चल गया होगा। दोस्तों मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, यहाँ पर एसएससी जीडी का जब भी आपका एग्जाम होगा अगस्त में, ठीक है, डेट यहाँ क्लियर नहीं हुई है, अगस्त में आपका एग्जाम होगा, अगस्त से पहले आपकी कंप्लीट मैथ यहाँ मैं करवाने वाला हूँ। एक टॉपिक डेली आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई पेड क्लास नहीं होगी, ठीक है, इसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब करके रखना है। दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहला क्या होता है, दोस्त के चक्कर में आते हैं, अरे भाई मैंने यार उसका पेड कोर्स ले लिया, आप भी ले लो, बहुत अच्छा है। भाई आप ले रहे हो, आपका दोस्त ले रहे हैं, कितने लोग हो गए, दो। ऐसे ही दो लोगों से 2 लाख लोग उनके पेड कोर्स को खरीदते हैं, क्या भाई 2 लाख का सिलेक्शन होता है। दोस्तों सिलेक्शन उसी का होता है, उन लोगों में से भी जो अपनी सेल्फ मेहनत करता है, उस पेड कोर्स के अलावा कुछ अलग पड़ता है। इसके बाद दूसरे पे क्या होता है, अरे भाई यार उस टीचर से मैथ पढ़ लेना, अरे नहीं नहीं उससे मत पढ़ना, उससे पढ़ना यार, वो बढ़िया पढ़ाता है। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन अपना एक टीचर सबसे पहले फिक्स कर लो, हाँ भाई मुझे इससे ही तैयारी करनी है, ठीक है। ये नहीं आज हम इस टीचर से पढ़ रहे हैं, कल उस टीचर के पास जा रहे हैं। दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि मान लो आज आपने इस टीचर से ये कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, अगले दिन आपने दूसरा टॉपिक सर्च किया
दूसरा टीचर आ गया, वो पढ़ा, वो भी समझ में आ गया, फिर क्या करते हैं, अरे ये टीचर बढ़िया पढ़ाता है। दोस्तों ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मान लो कोई भी टॉपिक है, टॉपिक वहीं रहेगा, उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी वहीं रहेगा, बस फर्क इतना होता है टीचर का कि उसकी लैंग्वेज का फर्क होता है। कोई अपनी जो लैंग्वेज है बिल्कुल हिंदी में पढ़ा देता है, कोई ग्रामीण में पढ़ा देता है, तो ग्रामीण जो लोग हैं वो ग्रामीण को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सोचते हैं हाँ भाई ये ग्रामीण में पढ़ा रहा है, हमारे लेवल की जो लैंग्वेज है हम पकड़ रहे हैं, तो ऐसे होता है। बाकी जो मटेरियल है वो सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब कोशिश करते हैं कि भाई मैं जितना मटेरियल है वो दे सकूँ। तो कोई भी बंदा ऐसा ना करे, अपना एक टीचर सबसे पहले फिक्स कर ले। इसके बाद हम बात करें भाई सिलेबस का, हमें पता चल गया होगा, हमें सिलेबस सबसे पहले देख लेना है कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से घटे हैं, कौन से बढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बुक्स खरीदनी है। जैसे हमने सिलेबस देखा उसके अकॉर्डिंग हमें बुक्स खरीद लेनी है या फिर नोट्स ले लेने हैं। जहाँ भी आपके कोई भाई बहन गली में जहाँ भी किसी का सिलेक्शन हुआ तो उसके नोट्स ले लेना आप, ठीक है। बुक्स अगर हम पढ़ लेते हैं, हमारे जैसे हमने बुक से किसी भी सब्जेक्ट से एक टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक से रिलेटिव फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अगर हमारे कितने, जैसे हमने मान लो 10 क्वेश्चन किए और हमारे 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये देखना है कि ये 2 क्वेश्चन हमारे टॉपिक में कहाँ से गलत हुए हैं, फिर उस टॉपिक को दोबारा से उस जगह से पढ़ना है जहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ऐसे हमें तैयारी करनी है एक एक छोटी छोटी चीज़ को पकड़कर। दोस्तों सिलेक्शन लेने का मतलब है कि 80 प्लस नंबर लेना। अब 80 प्लस नंबर लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें 80 प्लस नंबर लेने हैं, नहीं दोस्तों, कम से कम आपको 75 से 77 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है, 75 से 77 नंबर लेने पड़ेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के भी बढ़ जाते हैं 5-7 नंबर, तो 80 प्लस हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी है कि 75 प्लस से आगे कूदने की। अब दोस्तों इतना हो गया क्लियर, इसके बाद हम बात करते हैं भाई रिवीजन की। रिवीजन का मतलब है जैसे ही हमने सिलेबस देखा, बुक्स और नोट्स खरीदी, उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा उसके अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, देखा कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा और हमारा टॉपिक हुआ मजबूत। ऐसे ही दूसरा टॉपिक करना है, तीसरा करना है। हम पहुंच गए लास्ट में दोस्तों, कब पहुंच गए, लास्ट में एग्जाम से 15 दिन पहले। उसके बाद में आना है रिवीजन पे, एक बार सारे का रिवीजन कर देना है 15 दिन में, सब कुछ देख लेना है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एग्जाम देने जाना है। तो देखना आपका एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होता है। दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, किसी के पास भी चले जाना, किसी के पास भी स्वामिनी बोल देना, किसी देवी देवता को मना लेना, एक ही बात निकल के आएगी, भगवान भी आजकल बोलने लगा है यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कोई भी मास्टर ऐसा नहीं है जो बिना पढ़ाई के आपको सिलेक्शन दिला सके, और पढ़ाई कौन करता है दोस्तों, हम ही करते हैं, बस दूसरे का नाम हो जाता है। तो दोस्तों किसी के चक्कर में नहीं आना है, केवल अपनी पढ़ाई होगी, अपनी मेहनत होगी तो अपना सिलेक्शन होगा, बाकी दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, ये जो पढ़ाई है ना ये बस कैसे करनी है ये दुनिया आपको बता सकती है, पर ये नहीं बता सकती कि पढ़ाई के अलावा सिलेक्शन हो सकता है। पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक छोटी सी बात की, आपका जो एग्जाम है वो अगस्त महीने में करवा दिया जाएगा, इतना लगभग सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। आपका जो एग्जाम करवाया जाएगा वो अगस्त महीने में करवाया जाएगा। अब काफी लोग क्या करते हैं, अरे यार अभी तो फॉर्म भरना ही स्टार्ट हुआ है, देख लेंगे अभी काफी दिन बचे हैं। काफी लोग क्या करते हैं, यार कौन सी बुक्स खरीदूं ये समझ में नहीं आ रहा, अरे यार दोस्त को कॉल करने दे वो पूछता हूँ तू कौन से पढ़ रहा है वो कौन। अरे भाई आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, कोई पहली क्लास में नहीं हो कि कौन सी बुक खरीदनी है कौन सी नहीं। यार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कौन सी बुक खरीदनी है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना कि बेस्ट बुक्स कौन कौन सी आती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। दोस्तों अगस्त में एग्जाम है, फिलहाल अप्रैल है, ये वीडियो मैं अप्रैल महीने में बना रहा हूँ। अगर आप कोई बंदा मई जून जुलाई जब भी देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लगा लेना अपने दिन। मान लो अगस्त की हमें 15 तारीख का टारगेट रखना है, 15 अगस्त का। अब इससे पहले एग्जाम हो या बाद में हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली 15 अगस्त का रखना है। तो अगस्त के महीने को तो काट ही दो आप, 1 अगस्त का रख लो दोस्तों, 1 अगस्त का हमें टारगेट रखना है। अब भाई अप्रैल महीने से लगा लेता हूँ मैं, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त हमने हटा दिया है, हमारे पास 4 महीने निकल के आ रहे हैं। अब जो बंदा मई में देख रहा है उसके लिए 3 महीने बचेंगे, जो जून में देख रहा है उसके लिए 2 महीने बचेंगे, और जो जुलाई में देख रहा है उसके लिए 1 महीना बचेगा, ये अपने अपने हिसाब से सेट कर ले। अब मान लो जो बंदा जुलाई की 15 तारीख को देख रहा है उसके लिए 15 दिन बचेंगे, ठीक है, लेकिन मैं अप्रैल से लेकर चल रहा हूँ। अब दोस्तों अप्रैल से हम बात करें तो दोस्तों अप्रैल मई जून और जुलाई इसके लिए हमें केवल 90 दिन लगाने हैं, ठीक है, ये जुलाई का महीना तो रिवीजन में निकलेगा यार, इसको हटा दो, अप्रैल मई जून 90 दिन, 30 30 60 30 90 दिन में हमें तैयारी करनी है। अब करना क्या है, आपको मैथ पढ़नी है, ये दोस्तों ये जो चीज़ है इस वीडियो की मेन चीज़ यही है, मैथ पढ़नी है ना दोस्तों। तो मैथ में करना क्या है, आपको देखना है कि कितने टॉपिक है अपने मैथ में, लगभग 12 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 12 टॉपिक तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो 12 टॉपिक हैं उनमें से ही आता है क्वेश्चन।
अब 12 टॉपिक्स के नाम बताऊंगा आपको तो काफी लंबा हो जाएगा। आपको पता है प्रॉफिट लॉस, ब्याज दर, साधारण ब्याज, काम, समय, मजदूरी, पाइप, टंकी, ठीक है, लाभ हानि, ऐसे जो टॉपिक हैं 12 वो आपको मैथ के अंदर पढ़ने हैं। अब दोस्तों टॉपिक 12 हैं, दिन 90 हैं, यानी एक टॉपिक कितने दिन में आ रहा है अपना, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, यानी 6 दिन में अपने पास एक टॉपिक क्लियर करना है, बाकी रिवीजन करने का तो टाइम बचेगा। 6 दिन में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर दोस्तों एक घंटे हम एक पेज पढ़ते हैं उसके बाद सारे दिन घूमते हैं, 2-3 घंटे घूम के आ गए, फिर दूसरा पेज पढ़ते हैं, ठीक है, बस एक दिन में 2 पेज पढ़े, उसके बाद में अगले दिन भी यही करते हैं, और 6 दिन में पढ़ना है तो 6 दिन में कितने पेज हो गए, 12 पेज में लगभग एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, 12 दिन में एक टॉपिक क्लियर, 12 पेज में एक टॉपिक क्लियर। तो दोस्तों एक पेज को पढ़ने में हमें केवल 15 से 20 मिनट लगेंगी और उसके बाद हम 2-3 घंटे घूमेंगे, तो तैयारी भी होती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा, लोड भी नहीं आएगा। ऐसे ही हमें जीके में करना है, देख लेना भाई कितने पेज की है, 460 पेज की अपने जीके है, इसमें 90 को डिवाइड कर देना है, 0 से 0 काट देना, 9 पंजे 45, 5.5 दिन में एक पेज आ रहा है, ठीक है, 5.5 दिन में एक पेज आ रहा है अपने पास से। अब दोस्तों 5.5 दिन में अगर हम एक पेज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर हम क्या पढ़ेंगे। अभी दोस्तों अब बोलते हैं भाई मेरा सिलेक्शन होता है यार, तैयारी कैसे करूं। अब दोस्तों दिक्कत किन लोगों को आती है, अप्रैल भी निकाल देता है, मई भी निकाल देता है, जून जुलाई में आ जाता है, अब तैयारी करूंगा यार एग्जाम आ गया अब करनी पड़ेगी, तो जो बंदा ऐसे तैयारी करता है दिक्कत उनको आती है। चलो 2 महीने में 60 दिन होते हैं दोस्तों, 60 दिन के अकॉर्डिंग भी लगा लो यार, ऐसे जहां 5 दिन आ रहे हैं वहां आपके 3 दिन आ जाएंगे, 3 दिन भी बहुत होते हैं एक पेज को पढ़ने में। तो दोस्तों ऐसे अगर हम तैयारी करते हैं ना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ अपने पास रिवीजन का भी महीना बच जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगस्त की 1 तारीख को ही आपका एग्जाम होगा, 15 से 20 तारीख को आपका एग्जाम होगा लगभग, और बाकी जब भी होगा आपको आगे पता चल जाएगा, इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलेगी। दोस्तों यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कितने आलसी हो यार, सब्सक्राइब बटन दबा दो, अगला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर लो, आज ही अपनी तैयारी के लग जाओ, कोई भी कन्फ्यूज होगा क्लियर करने के लिए हम हैं, बाकी तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मैथ का इतना बता रहा हूँ भाई, 0 लेवल से क्लियर करवाने वाला हूँ, एक टॉपिक उठाऊंगा उसको जब तक क्लियर करवाऊंगा जब तक उसके सारे डाउट आपके दूर नहीं हो जाते, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप सोल्व नहीं कर सकते जब तक उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे एक क्लास 4 दिन में बनानी पड़े, 5 दिन में बनानी पड़े, पूरा टॉपिक ही क्लियर जब तक नहीं होगा उससे अलावा दूसरा टॉपिक नहीं चलेगा, जैसे ही टॉपिक खत्म दूसरा टॉपिक स्टार्ट, रेगुलर चलते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी मैथ की थोड़े दिन बाद, तो तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और सब्सक्राइबर आपको वैसे भी करना है क्योंकि ये जो मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए बना रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।